सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉस्टल और हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यारा गुड मॉर्निंग और बड़ों को नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अभी कज़न के घर पे, जैसे आप लोगों को पता ही है। और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा लेट सोए थे तो अब मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। लेट हो गया थोड़ा, ये होता है आज ट्रैवल करते हो आप लोग, तो कुछ प्लान जो बनाते हैं वो उस हिसाब से होता नहीं है। बाकी हम निकल रहे हैं अभी ऋषिकेश के लिए, मिलता हूँ आप लोगों को सीधा ऋषिकेश। तो दोस्तों अभी हम रुके हुए हैं थोड़ा सा लंच करने के लिए, यार भूख लग रही थी भाई को भी। तो ये हाईवे है, अभी इस हाईवे पे यहाँ पे मतलब वैन वगैरह में लोग बेच रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं हॉस्टल और यहाँ पे सामने आप देख सकते हो यहाँ पे हॉस्टल भी है, हॉस्टल की प्रॉपर्टी भी है, नीचे कैफ़ेज़ है, यहाँ पर भी नीचे कैफ़े है, तो बढ़िया है यार। बाकी अभी हम चेक इन करते हैं क्योंकि थक गए हैं और फ्रेश होते हैं, देन उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। सो गाइस फाइनली चेक इन कर लिया है और कुछ इस तरह का है आपका हॉस्टल। ये 4-bed डॉर्मेट्रीज हैं और नीचे 10-bed डॉर्मेट्रीज है। ये पूरा यहाँ पे रिसेप्शन एरिया और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है। अब हम भी थोड़ा सा प्लान करते हैं कि कहाँ निकलते हैं, कहाँ जाते हैं घूमने, देखते हैं अभी। बाकी अभी कोई डॉम्स में कोई है नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को भी किस तरह का होता है, इसीलिए मैंने बुक किया था। ये ऊपर वाला मेरा है, ये 4-bed डॉर्मेट्री है, सोना ही तो है यार। ये यहाँ का मेरा वॉशरूम तो थोड़ा सा मैसी हो रहा है अभी क्योंकि बहुत 4 लोग हैं, 4 लोगों का सामान है, बट ठीक है, सोना ही तो है, अपने को एंजॉय करना है पूरी रात। बाकी सोने के लिए लेट जाएंगे, ऊपर चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, सस्ता है यार, एक सोलो ट्रिपर के लिए बेस्ट है। अगर कोई 4 लोग आ रहे हैं तो 4 लोग अपना 4 के 4 bed 4-bed मिक्स डॉर्मेट्री में आप बैग बुक कर सकते हो, ताकि आपका पूरा का पूरा डॉर्म आपका हो जाएगा आप 4 लोग आ रहे हो तो बेस्ट है यहाँ पे आना, और सस्ता भी है। बाकी अब सी देखते हैं क्या प्लान बनता है, पूछता हूँ भाई से भी कहाँ का प्लान है, क्या प्लान है, कहाँ अभी जाएंगे क्या बीटल्स अपन? बीटल्स नहीं, अभी देर हो जाएगी क्योंकि 5 भी बंद हो जाता बीटल्स। फिर अभी नीचे चलेंगे, नीचे घाट वाट थोड़ी देर घाट, देन उसके बाद वो क्या पे अपना आरती लेने, गंगा आरती त्रिवेणी घाट पे ना, चल फिर निकलते हैं ना। चलो गाइस अभी हम थोड़ा सा यार बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं, मिलता हूँ आप लोगों को बाद में, कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस यहाँ पे अभी हम आए थे नीचे मार्केट में थोड़ा सा स्नीकर्स लेने, क्योंकि मीठा खाओ और मस्त रहो, स्नीकर्स खा के कहते हैं ना कि एक कौन सी ऐड थी वो मेंटोस वाली, वैसे स्नीकर्स का भी आता है ना, बिना खाए अब पगला गए हैं, कोई दूसरे रास्ते जा रहे हैं, वाह भाई। और एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे वो सिटिंग रेस्टोरेंट का क्या नाम है, स्विस कॉटेज, फैमिली के लिए सही है आना चाह रहे हो तो। अगर फैमिली के साथ आप लोग आ रहे हो तो हॉस्टल्स वगैरह मत आओ, हॉस्टल बैचलर्स के लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि यार वहाँ पे देखो सबके साथ एंजॉय करना आते हैं, तो फैमिली के साथ थोड़ा सा आप लोगों को है ना थोड़ा फैमिली कंफर्ट, अगर डिसकंफर्ट रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। बाकी यार बैचलर्स के लिए तो बेस्ट है ये प्रॉपर्टी, कोई से भी हॉस्टल्स में जाओ, बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क तो हर हॉस्टल्स में रहता ही है यार, अब किसी को अगर किसी से कंपेयर करोगे तो। पर मेरे को गोस्ट ऑफ वाला सही था, बढ़िया था वहाँ का, यहाँ पर भी बढ़िया है, आप सेपरेट सेपरेट बना रखें तो
अच्छा है काफ़ी, बाद में रात को देखते हैं यहाँ पे क्या माहौल बनता है, कैसा रहता है। कहाँ बैठे अभी? यहाँ थोड़ा देर, अभी यहाँ थोड़ी देर हम टाइम स्पेंड करते हैं, देन उसके बाद जाएंगे त्रिवेणी घाट, थोड़ा वहाँ पे आरती लेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ का पूरा। बाकी अभी एंजॉय एंजॉय एंजॉयिंग टाइम है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट, और अभी आरती होने में थोड़ा टाइम है, तो कुछ ये इस तरीके का है घाट। वैसे आगे है अभी, तो अभी हमने यहाँ पर अपने स्कूटी जो है पार्किंग पे लगा रखी है, तो बट यार देखो क्या मस्त लग रहा है, पानी का फ्लो देखो, पानी का फ्लो यहाँ से पता लग रहा है कि काफ़ी तेज़ है। भाई मेरे को बता रहा है कि वहाँ पर थोड़ा आगे है टाइम लैप्स का बढ़िया वहाँ पर लोकेशन, क्योंकि ये यहाँ पर एक्चुअली उत्तराखंड में इनका भी एक ट्रैवल कंपनी है। किस नाम से तेरी कंपनी का नाम? ट्रैवल हब। हाँ, ट्रैवल हब, ट्रैवलर्स हब करके इंस्टाग्राम में पेज है। वैसे अगर आपको ट्रिप के लिए जो है इनकी साइट है, साइट क्या क्या है बताई तुमने? www.tripyoga.com इनकी ट्रिप का साइट है। तो ये पूरा चंद्रशिला चौपटा किसी कोई सा भी ट्रैक हो ये सारे ट्रैक करवाते हैं, तो अच्छा है यार ट्राई करना। वैसे मेरा भी प्लान था इसका जाने का, बट लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इशू की वजह से मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। वैसे भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, अभी 5-5 फीट बर्फ़ हो रखी है। देखा ये बॉम्बे का मरीन ड्राइव है। सीरियसली यार मरीन ड्राइव ही लग रहा है, क्या व्यू है यार। देखो बगल में भाई गंगा नदी बह रही हो, और सामने सनसेट हो रहा हो, और यहाँ वॉक करने को मिल जाए तो यार बढ़िया प्लेस। जिन ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी है मेहता दीपक 725, यहाँ पे मेंशन मैं कर दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं मेंशन कर दूँगा। बाकी यार एक बार अब देखो आप लोग पानी का फ्लो। सी गाइस कितना प्यारा लग रहा है यार, सीरियसली देख रहे हो क्या आप लोग मेरे पीछे, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है ना। Thank you.
सो हाय गाइस, अभी मैं सोया नहीं हूँ। मैं आया था एक्चुअली पानी भरने बाहर, तो टाइम बहुत लेट हो गया है, अराउंड 1 o'clock हो रहे हैं। और अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है, देखो सब अपन सो चुके हैं, सबके सब लोग। ये फैमिली कॉटेज है, इधर एक का पूरा ये सिटिंग एरिया, सामने भी है। तो यार मैंने सोचा कि आप लोगों को गुड नाइट क्या ही दूँ, साथ में आप लोग भी बोलोगे कि आप आज इसने गुड नाइट नहीं बोला। ऐसे गुड नाइट मैं आपको ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ यार कि जब मैं सोऊँ तो एक बार लास्ट में एक बार तब व्लॉग एंड करूँ। और बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ यार भूल जाता हूँ, या कभी बैटरी नहीं होती, या कभी वर्क का ऑफिस का काम ज़्यादा होता है तो फिर नहीं कर पाता। बट मैं आज अभी जगह हूँ तो करूँगा। तो यार हाँ गाइस, चलो आई होप सो कि आप लोग अच्छे रहें और फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, और आपका दिन अच्छा जाए, आपकी रात अच्छी जाए, और आप सभी लोगों को अच्छे अच्छे सपने आए। तो आपको आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मॉर्निंग के साथ। तो गुड नाइट गाइस।